हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती परीक्षा जो हुआ था 1 अक्टूबर को, जिसका आंसर वायरल हुआ था, अंततः परीक्षा को रद्द किया गया। लाखों अभ्यर्थी बड़ी परेशान है, सर जी अब कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या इसमें जो जो मेन कल्प्रिट है वो पकड़ा रहे हैं, SIT जो टीम बना है उसका अभी तक क्या रिजल्टेंट आया। देखो, SIT जो टीम बना हुआ है ना, वो अपना काम कर रहा है, अलग अलग जगह पर दबिश डाल रहा है। और आप देखोगे कि लगभग 5-6 जवान भी पकड़ाए हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले भी जवान पकड़ाए हैं, कुछ ऐसे जवान पकड़ाए हैं जो कि छुट्टी लेकर आए थे यही चोरी कराने के लिए। ये इंगित करता है कि इनका जो लोभ और लालच था ना, और लड़कों के प्रति जो निर्दयी ये इनका सोच था कि पढ़ने वाले लड़के बर्बाद हो जाए, गाँव के लड़के बर्बाद हो जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जो अपना काम करते रहेंगे। और ये वही लोग हैं जो चोरी से जाते हैं। एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, जब बेसिक ख़राब हो जाता है ना तो बिल्डिंग अपने आप ही गिर जाएगा। ये वही लोग होते हैं जो चोरी से जाते हैं और चोरी से जाकर सीनाजोरी करते हैं। कहने का मतलब ये वही लोग हैं जो पिछले भर्ती में गए, उससे पिछले भर्ती में ये सेटिंग बाज होते हैं, इनके अपने से नहीं रिजल्ट निकलने वाला है, हालत ख़राब हो जाएगा। अब ये जो जाँच हो रहा है, मुझे जहाँ तक मतलब जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जो ये चीज़ है, अब मेन लोग इसके आ रहे हैं, मतलब जो कल्प्रिट हैं, जो ग्रुप बड़े बड़े चलाते हैं, जो वैसे काम करते हैं, जो आंसर का मतलब लाखों रुपया से ये करते हैं कि इतना इधर से उधर करा दिया जाए, आंसर वायरल करा दिया जाए, अब जाकर ऐसा कुछ निकल कर देखने को आ रहा है। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं ये चीज़ कभी कभी देखता हूँ समय मिलता है तो, आप लोग हर जगह एक ही चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, वो जो डिमांड हम भी कर रहे हैं कि जाँच होना चाहिए और हो रहा है। अब ये है कि बेहतर रिजल्टेंट निकल कर आ जाए, क्योंकि अभी चुनाव भी है, आप लोग जानते हैं कि चुनाव अगले साल भी है और उसके अगले साल विधानसभा का चुनाव है, यानी 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। तो ऐसा सरकार भी नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग जो हैं ये नाम बदनामी करें, और जो भी लोग भर्ती निकाल रहे हैं इतने बड़े बड़े स्तर पर देखिएगा, उसका बदनामी हो, क्योंकि भर्ती निकालना सिर्फ काम नहीं होता है, बेहतरीन तरीक़े से भर्ती कराना भी काम होता है। तो लड़के सब भी भरपूर अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और जान रहे हैं आवाज़ तब जब दब जाता है ना, जब पढ़ने वाले लड़के और जब ईमानदार लड़के दब जाते हैं और बेईमान चढ़ बैठते हैं, तब आवाज़ दब जाता है। और ये कई साल से यही होते आ रहा था इस आयोग में ख़ास तौर पर, और ये आवाज़ दबने देना अब नहीं है, कभी नहीं दबने देना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, पेपर भी जो लेबल वाला हुआ, मैं आपको कल उस पर बात बताया, पेपर का लेबल वाला भी, इस पर भी कहीं ना कहीं जाँच होना चाहिए कि सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। आप UPSC का क्वेश्चन सेट कर रहे हो, कमांडो जैसा पिचकल रह रहे हो, क्या मतलब है, क्या इस क्वेश्चन का जो है वो लिंक आपको आंसर वायरल से तो नहीं है ना, यानी आप पूरी तरीका से अस्वस्थ थे कि हमारे जो आंसर जाएगा लड़कों के पास, या जो हम वायरल करेंगे, जो पैसा देंगे उनके पास अब जाएगा, वो लगाएंगे और पढ़ने वाले एक भी लड़कों की ज़रूरत नहीं है बिहार पुलिस में, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो इसका भी गहन से जाँच होना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा बिहार दरोगा का पेपर होता है, ना BPSC का पेपर होता है, मतलब लेवल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल है। आप 10th का जब सिलेबस किए हो तो 10th लेवल का पूछो, UP में भी कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिलता है। ठीक, मुझे लगता है ये एकदम सोची समझी रणनीति के अंतर्गत 2017 से होते आ रहा है, 2019 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ, 2023 में भी यही इन लोगों का था कि ये कलंकित करें, यानी बिहार को नहीं बोला जाता है कि आइए ना बिहार में, मतलब पेपर पहले ही लीक हो जाता है बाज़ार में, ये बोला जाता है ना बिहार के लिए एक आपको बना दिया है ऐसी कोटेशन, तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा काम होना चाहिए कि अपने बिहार का जो भी थूथू है, जो ये चीज़ है, वो ख़त्म होना चाहिए। और बात रहा कि एग्ज़ाम में कितना समय लेगा, मुझे मैं पहले ही जब पहला दिन वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि जब तक SIT जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाता, CSBC अपने तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जाँच का विषय है, जल्दीबाजी में अगर कोई भी काम किया जाता है तो उस पर भी आपको अंकुश लग सकता है। और अपना भी SIT बड़ा टीम बना हुआ है, छोटा मोटा नहीं टीम है, बहुत बड़ा टीम है, अभी तक के सबसे बड़ा SIT का टीम है, और खासकर पेपर लीक के लिए तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा टीम बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको बहुत जल्दीबाजी करना चाहिए और जल्दी जल्दी ये सब करना चाहिए, वरना जितना डिले होता है ना उतना ही एविडेंस ख़त्म होते जाते हैं, और फिर सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं ना तो फिर बरी हो जाते हैं ऐसे अपराधी जो कि बार बार ये काम करते हैं। इनको जल्दी से दबिश डालना चाहिए। बहुत से प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, कॉलेज का अलग अलग जो वो काम करवाते थे, कम से कम इन्विलेटर का भी तय होना चाहिए, जिम्मेवारी वो जो आंसर ले जाकर अंदर दे देते हैं और बोलते हैं बाद में हमको पैसा बबुआ दे देना, इस सब का भी जिम्मेवारी तय होना चाहिए। और बात रहा एग्ज़ाम डेट का, फिर से मैं बता दूँ एग्ज़ाम डेट में डिले होगा, आप लोग भी जान रहे और हम भी जान रहे हैं।
जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक नहीं। और फिर आपको सेंटर भी मिलना चाहिए ना, सेंटर भी तो होना चाहिए ना। लाखों अभ्यर्थी, 18 लाख अभ्यर्थी हैं, हलवा है, सेंटर भी होना चाहिए। जब सेंटर होगा तभी तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे। और देखना इस बार जब एग्ज़ाम होगा ना, देखना तुम लोग अटेंडेंस देखना। अच्छा तुम लोग एक बात ध्यान में देखते हो, बीपीएससी में अटेंडेंस गिर के सीधे 50-60% आ जाता है, बिहार दरोगा में अटेंडेंस गिर के सीधे 50-60% आ जाता है। 2017 का अटेंडेंस बिहार पुलिस का निकाल कर देखो 50-60% था, लेकिन 2019 का अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अटेंडेंस, 2020 का अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अटेंडेंस, 2023 में भी जो एग्ज़ाम अभी हुआ था इसका अटेंडेंस बहुत ज़्यादा था। पता है कहें इस सब इसमें चोरवा जो आता है ना वो भी आने लगता है, जो कुछ कहो नहीं, जिसको लिखने आता ना, जिसको अपना नामों नहीं लिखने आता है, पापा का नाम नहीं लिखने आता है, वो सब भी सोचता है कि चलो आंसर के मिल जाएगा, हमारा वर्दी चढ़ जाएगा, हम तो बन जाएंगे ना, हम लाखों रुपया हमको मिलेगा तिलक में, ये चीज़ तुम लोग नहीं सोचते। लेकिन छोटा छोटा बात को अगर कंपेयर करने लगोगे ना तो तुम लोग भी समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम जो है ना, ये अंदर से इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था ये काम करने के लिए, और ये इनको प्रोत्साहन मिल रहा था। सेंटर पर चले जाओ, रिपोर्टिंग टाइम के बाद बहुत से लड़के गेट फाड़ रही दिखाई दे रही है, लड़के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोत्साहन है। क्योंकि अगर बढ़िया से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है बिहार में बीपीएससी बीपीएससी, तो ये आयोग भी काहे नहीं करा सकते, इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पैसा है करोड़ों रुपये का, तो एग्ज़ाम तो अच्छे से कराया जा सकता है। लेकिन इनका मानसिकता ये नहीं था कि एग्ज़ाम अच्छे से कराया जाए बस, और ये कह देना कि मतलब हमारा इतना सिस्टम मजबूत है कि यहाँ से कुछ लीके ना हुआ था, समुंदर की धार की तरह जैसे आता है जो सुनामी आता है ना, वैसे आपको आंसर वायरल हुआ है, आप सब लोग जान रहे हैं। और जब मैं आपको बताया था कि जब लॉगिन किया था, जब व्हाट्सएप उन लोगों के मतलब डेस्कटॉप में लॉगिन किया था, एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, कुछ लड़के बोल रहे थे कि सीएससी चुट्टा है, चोर है, और वो सब उसी में मैसेजवा दिखा रहा था, तो जो लॉगिन किया था ना पढ़ रहा था बार बार, हमारा चेहरावा देख रहा था, हम बोले अब लड़कों सब का गुस्सा है फेस कीजिए, तो बोल रहा था ये सब कौन है, बोले हमारे स्टूडेंट है, छोटा सा परिवार है हम लोगों का, स्टडी बोलो वहीं के स्टूडेंट है ये सब, तो ऐसा ऐसा मैसेज करता है। हम बोले कि अब काहे करता है वो देखिए, अगर जो हम चीज़ दे रहे हैं वो सही साबित हो जाएगा तो आप भी हम जान रहे हैं कि ये बात एक्सेप्ट करिएगा कि नहीं सही कर रहा है। एकदम समझिए कि जिस दिन हम दे कर निकले ना अंदर से, एकदम उन लोगों का चेहरा सियार जिसम हो गया था, सियार। हम देखो हम अकेले गए थे ना अंदर, पूरा एकदम ऑफिसर पूरा एकदम पदाधिकारी था, और जब निकल रहे थे ना तो सब अपने सीट से खड़ा था, सब थोड़ा एकदम बढ़िया काम किए, लेकिन हमको उसी समय एकदम शक हो गया था, और उसी समय हम ठान लिए थे कि अगर ये सच्ची निकल गया एग्ज़ाम के बाद लड़का सब बता दिया नाके दम कर देंगे हम, ठीक ना, बदलाव होना ज़रूरी है। लगातार लड़के आते रहते, अभी वो लड़के आते कि सर जी बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि वो सब पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब घर के लड़के हैं, आँखों में सपना संजो हुए हैं। अभी देखो बीएसएससी का भर्ती है, बिहार दरोगा का भर्ती है, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का भर्ती, ये इस साल का भर्ती, अगले साल में भी आप देखोगे बिहार दरोगा का भर्ती है, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का भर्ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाला बह रहा था ना गंदा गंदा, ये नाले में जो डुबकी लगाने के लिए सोच रहे थे उनका काम बंद करना ज़रूरी था। और पढ़ने वाले अभ्यर्थी का मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा मैं साथ हूँ और हमेशा स्टडी मूड आपके साथ है, हमेशा रहेगा, बशर्ते आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कोई भी चीज़ का अगर आप उजागर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हमारे पास भेज रहे हैं जो कि हमारे और आपसे रिलेटेड है और स्टडी से रिलेटेड है, एक बार ध्यान में रखिएगा, तभी मैं कुछ मेहनत कर कुछ आप लोगों का मदद कर सकता हूँ। नहीं तो फिर बाद में जब जो चीज़ आता है ना तो उसको कोई नहीं मानता है, आपको ये मानने का यही नहीं है, साफ एकदम पलट जाएगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए शुरू में ही सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो शुरू में ही आवाज़ उठाने का और शुरू में ही बुलंदी भरने का, तभी जाकर कुछ होगा। एग्ज़ाम में समय लगेगा, आप दिसंबर पार ही, मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर पार ही कर देगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर से पूछ पाछ कर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिपोर्ट आने में आप देखिएगा कि अच्छा खासा समय लग जाएगा, उसके बाद ही अपना सेंटर खोजेगा, और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके चलते सेंटर बुकिंग है। तो आप अपने एक बात ध्यान में रखिए, भले आप डिविएशन में जाइए, क्योंकि और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिएगा, बीएसएससी की तैयारी जब कीजिएगा, जो आपको हमारा ऐप पर भी रीजनिंग मैथ स्टार्ट हो चुका है, तो बीएसएससी का जब तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी मैथ रीजनिंग है 75 को, और बिहार पुलिस में भी मैथ रीजनिंग है 15 को, पेपर अगर देखे होंगे तो भी, और उसमें देखोगे आपको बीएसएससी वाला 10th+ उसमें 75 को जो है, उसमें से 25 को साइंस है और 50 को जीके है, और आप लोगों में भी 20-25 को साइंस है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में और जीके है। तो ऐसा नहीं है कि उसका तैयारी कीजिएगा तो नहीं, बस उसमें हिंदी नहीं है इंग्लिश नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के थ्रू आप बना सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट में देता हूँ। तो बस एक ही मैं बात बोलूँगा कि आप लोग लगे रहो,
और आज के दिन जो आप मतलब जिस दिन मैं वीडियो ये बना रहा हूँ 14 अक्टूबर को आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वही मैच देखने में हम लोग भी बिजी हैं थोड़ा। सोचे के बीच में आप लोगों को मोटिवेट कर दे, एग्ज़ाम में समय लगेगा, बात मानिए आप लोग, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद।